सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बॉर्डर टू फिल्म कास्ट को लेकर। तो अगर तुम लोग भी सनी देओल की फिल्में देखना पसंद करते हो और बॉर्डर फिल्म तुम्हारे दिल को छू जाती है, तो इसी फिल्म का सीक्वल होने वाली है बॉर्डर टू फिल्म, जिसकी अनाउंसमेंट कुछ दिनों पहले ही की जा चुकी है। सन 1997 में रिलीज हुई बॉर्डर फिल्म हिंदुस्तान की अब तक की सबसे बड़ी वॉर ड्रामा फिल्म है, जिसकी ओवर द पीरियड फैंस फॉलोइंग हमें देखने को आज भी मिलती है। और अब इसी फिल्म का सीक्वल बॉर्डर टू बनने जा रही है। पिछले साल सनी देओल ने गदर 2 से ऐतिहासिक सक्सेस पाई है, जिसको ध्यान में रखकर इंडिया के राइटर डायरेक्टर अब बॉर्डर 2 फिल्म बनाने जा रहे हैं। मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ये फिल्म 23 जनवरी 2026 को रिलीज की जाएगी। मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट तो कंफर्म कर दी है, लेकिन फिल्म की स्टार कास्ट को लेकर काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर फिल्म की स्टार कास्ट इतनी ज्यादा बड़ी थी जो आज के समय में अफोर्ड कर पाना एक कल्पना मात्र जैसा होगा। अनाउंसमेंट वीडियो से ये तो क्लियर हो गया कि इस फिल्म का मेन फेस सनी देओल है, और बॉर्डर जैसी फिल्म अगर सनी देओल का नाम जुड़ता है तो वो बाकी सभी एक्टर्स के रोल को कमजोर कर देगा। तो इसीलिए बॉर्डर 2 फिल्म की स्टार कास्ट को लेकर मेकर्स को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और अभी हाल ही में एक रिपोर्ट निकल कर सामने आई है, बॉर्डर 2 में वरुण धवन की एंट्री क्लियर हो चुकी है। वरुण धवन आपको इस फिल्म में फौजी के लुक में नजर आएंगे। और अब इस फिल्म की जो सबसे लेटेस्ट न्यूज है वो ये है कि सिंगर दिलजीत दोसांझ भी इस फिल्म का हिस्सा बन चुके हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि पहली गोली दुश्मन चलाएगा और आखिरी गोली हम। और इसी पोस्ट के बाद सनी देओल पाजी ने अपने अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने लिखा कि फौजी दिलजीत दोसांझ का बॉर्डर 2 बटालियन में स्वागत है। मतलब दिलजीत दोसांझ इस फिल्म में एक फौजी का ही किरदार निभाने वाले हैं। बॉर्डर 2 फिल्म मल्टी स्टारर फिल्म होने वाली है, इसीलिए इस फिल्म की कास्टिंग ही मेकर्स के लिए सबसे बड़ा टास्क है। अगर तुम लोग इस फिल्म की कास्टिंग के बारे में कुछ बेस्ट सजेस्ट कर सकते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर करना। अब ये फिल्म एक मल्टी स्टारर फिल्म है और इस फिल्म में सनी देओल भी है, तो बहुत सारे छोटे मोटे एक्टर्स इस फिल्म में काम करने से मना कर देंगे, जैसा कि आयुष्मान खुराना ने किया भी है। ये फिल्म मल्टी स्टारर फिल्म है और वो मल्टी स्टारर फिल्म में काम नहीं करेंगे, ये कहकर उन्होंने इस फिल्म में काम करने से साफ मना कर दिया। अब कोई भी एक्टर अपने रोल को लेकर उतना ज्यादा सिक्योर नहीं जितना कि वो सब पहले हुआ करते थे। अब सबको अपनी बराबरी का टक्कर वाला रोल चाहिए। सो मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म की स्टार कास्टिंग बहुत ही मुश्किल है, जिसकी वजह से इस फिल्म की स्टार कास्ट अभी तक फाइनल नहीं हो पाई है। लेकिन सनी देओल, वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ को फाइनल कर लिया गया है। बाकी तुम लोग ये बताओ कि सनी देओल के साथ कौन सा हीरो बेस्ट रहेगा इस फिल्म में, और सनी देओल की टक्कर का विलेन कौन सा हो सकता है। अगर मैं सजेस्ट करता तो भाई अमरीश पुरी बेस्ट होता इस फिल्म का विलेन, बट अफसोस वो नहीं है। बाकी तुम थोड़ा सा वेट करो, अगर इस फिल्म की कोई नई अपडेट या फिर इस फिल्म के बारे में कुछ भी सामने आता है तो आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले मिल जाएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। मैं तुमसे फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय।